मैं शैलेंद्र कुमार झा आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर भरवत सेना बेतिया अभी हम क्लास टेन का सब्जेक्ट मैथ पढ़ाएंगे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशनशिप द जीरोज एंड द कोफिशियट ऑफ क्यूबिक पोलोमियर अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलोनोमियर डिवीजन मीन्स भाग यह बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल फल शेष इन यू नो दैट इन डिविजन डिविडेंट इजकल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर्स ये हम लोग कॉन्स्टेंट नंबर का डिविजन जानते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे पोलोनोमियल के डिवीजन के बारे में तो सब लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनी टू पोलोनोमियल्स वेर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इफ पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स वी कैन फाइंड ए इक्वेशेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर्स आर एक्स सच दैट पी एक्स इजकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, एक्सर द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स इफ दूसरी कंडीशन में इफ आर एक्स इजकअल टू जीरो यदि रिमाइंडर्स जीरो हो जाए देन वी से दैट कह सकते हैं कि देन दोलो दैन पोलोनोमियल जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स यहाँ पर पी एक्स इजकअल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स ये यूक्लिस डिवीजन एल्गोरिथम भी है इसलिए इसको एल्गोरिथम भी कहा गया है इस पर आधारित हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे डिवीजन सीखेंगे पोलोमियल का डिवीजन सीखेंगे जैसे एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन है डिवाइड द पोलोनोमियल पी एक्स बाय द पोलोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेशेंट एंड द रिमाइंडर्स यानी गिवन पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एंड जी एक्स स्क् टू एक्स स्क्वायर माइनस टू तो जी एक्स से पी एक्स में डिवाइड देना है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू में डिवाइड देना है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री हमको फर्स्ट इसमें देखना क्या है कि जी एक्स का फर्स्ट टर्म जो लेते हैं और पी एक्स का फर्स्ट टर्म जी एक्स ऐसे टर्म से इसको मल्टीप्लाई करें कि इसका फर्स्ट टर्म जो है वह डिविजिबल हो उसके वह पूरा पूरा कट जाए ऐसा देखना है हम लोगों को जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स माइनस एक, यहाँ पर एक्स क्यूब और इसे माइनस टू एक्स ये प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस ये कैंसिल हो गया बच गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये प्लस प्लस तो फाइव प्लस टू सेवन एक्स माइनस थ्री फिर ये देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर है तो माइनस माइनस थ्री से चूंकि माइनस है तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस सिक्स तो ये कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ पर सेवन एक्स माइनस नाइन तो क्वेश्चेंट जो आया आपका एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर आया सेवन एक्स माइनस नाइन ये इसका आंसर हो गया क्योंकि यहाँ पर हमको फाइंड करना है क्वेशन और रिमाइंडर्स सिमिलरली दूसरा सवाल इसका देखिए चेक वेदर आर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन सेकेंड सेकंड पोनोमियल थ्री एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू हिअर फर्स्ट पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड सेकेंड polynomial इज थ्री एक्स थ्री एक्स टू पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू तो हमें क्या करना है कि डिवाइड किसमें देना है डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय द सेकेंड पोनोमियल बाय द फर्स्ट पोलोमियल यानी फर्स्ट पोनोमियल सेकेंड पोलियो पोलिनोमियल में डिवाइड देना है तो फर्स्ट ये है और ये है आपका तो डिवाइड दीजिए हम तो पहले बोले थे पहले आप जान गए हैं कि पहला टर्म जी एक्स का और पी एक्स का ये दोनों इक्वल होना चाहिए तो इसलिए जिससे मल्टीप्लाई करना पड़े उसे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ थ्री एक्स फोर है तो थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो थ्री एक्स फोर ये थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स क्यूब आ फिर इससे किए तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ये प्लस तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल तो ये नाइन माइनस है तो ये बड़ा संख्या है तो इसलिए माइनस फोर एक्स क्यूब ये हो गया माइनस सेवन माइनस थ्री तो माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू अब यहाँ देखना है एक्स स्क्वायर है और यहाँ फोर एक्स क्यूब है तो इसलिए माइनस है यहाँ इसलिए माइनस फोर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया माइनस फोर एक्स क्यूब चार फोर थ्री या ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर अब माइनस फोर एक्स ये कैंसिल अब ये प्लस माइनस ये कैपिटल है बड़ा ये बड़ा है तो टूब तू, ट्वेल्व में टेन सेप्ट हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस 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 सिक्स एक्स प्लस टू और फिर इसे टू से डिजिबल टू से यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर है तो टू से मल्टीप्लाई किया तो ये डिविजिबल हो गया यानी रिमाइंडर जीरो हो गया इसलिए फर्स्ट पोलिनोमियल पॉल्नुम्यार, फर्स्ट पोलिनल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोम ये प्रूव हो गया उसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है फर्स्ट पोलोमियल इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री उसका टू पॉइंट थ्री का टू नंबर का थ्री नंबर क्वेश्चन ये है फर्स्ट पोनोमियल एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन सेकेंड पोनोमियल एक्स टू दावर एक्स फाइव माइनस फोर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन आप इसे डिवाइड देना है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स पावर फाइव माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन तो इसमें x क्यूब है और यहाँ x फाइव है इसलिए x स्क्वायर से डिवाइड दिए मल्टीप्लाई किया तो ये x टू थ्री फाइव प्लस माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस ये कैंसिल और ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी कैंसिल यहाँ प्लस माइनस माइनस तो माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन अब यहाँ देखिए माइनस एक्स क्यूब है यहाँ प्लस एक्स क्यूब है तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो ये तो कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया लेकिन प्लस 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 हो गया तो वन प्लस वन टू तो रिमाइंडर्स बचा टू यानी जीरो रिमाइंडर्स नहीं हुआ इसलिए फर्स्ट पोनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलोमियल आंसर आ गया इसका अब टू पॉइंट थ्री का सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरली परीक्षा में पूछता है और ऐसे भी जानना चाहिए कि ये हमारे पास जो सवाल दिया हुआ क्वेश्चन है यहाँ एक्स पावर फोर है यानी बाय क्वाडेटिक पोलिनोमियल्स है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनियल्स के फोर जीरोज होंगे और हमारे पास टू जीरोज दिए हुए हैं यानी ऑप्टन ऑल द जीरोज ऑफ थ्री एक्स पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव इफ़ टू ऑफ इट्स जीरो आर रूट फाइव बाई थ्री एंड रूट फाइव माइनस रूट फाइव बाय थ्री दो जीरो दिए हुए और हमारे पास चूँकि फोर जीरो चाहिए तो टू जीरो और हमको निकालना है इसलिए हमारे सॉल्यूशन के लिए हम चलिए यहाँ पर पोलोमियल दिया हुआ है ये और इसके दो जीरो इट्स जीरो दिए हुए हैं रूट फाइव बाई थ्री एंड माइनस रूट फाइव बाय थ्री यानी फर्स्ट सपोज यानी दो जीरो हुआ तो एक्स इज्कअल टू रूट फाइव बाय थ्री और एक्स इज माइनस रूट बाय थ्री क्योंकि एक्स का दोनों वैल्यू है और ये चूंकि एक्स इज्कअल टू रूट फाइव बाई थ्री को ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट फाइव बाई थ्री इजकल टू जीरो यानी ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा एक्स प्लस रूट फाइव बाई थ्री टू जीरो और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स माइनस रूट फाइव थ्री प्लस एक्स प्लस रूट फाइव बाय थ्री इंटू जीरो इंटू जीरो तो ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री टू जीरो एल सी एम थ्री थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इसल टू ज़ीरो और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इजकल टू जीरो ये हमारा एक पोलोमियल हो गया और यह पोलोमियल जो है उसको हम लोग जी मान लेते हैं पी तो मुझे दिया हुआ है जी दिया हुआ है अब इससे हम लोग डिवाइड करते हैं डिवाइड करने के बाद मेरा एक तीसरा पोलिनोमियल आता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन चूंकि यहाँ रिमाइंडर जीरो तो फैक्टर हो गया तीसरा पोलिनोमियल आ गया अब इसको हम लोग इसका फैक्टर ऐसा लिख सकते हैं थ्री एक्स पावर फोर का ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है थ्री एक्स पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव इसको फर्स्ट फैक्टर ये और इसका दूसरा फैक्टर ये निकला हमारा अब पहला तो है दूसरे का हम लोग फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से और इस तरह से मुझे तीन फैक्टर ने तीन फैक्टर निकल गए और तीनों का हम लोग को जीरोज निकालने के लिए तो पहला तो एक थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का तो हमारे पास दिया हुआ है दो दिया हुआ है अब हम केवल इसका निकालते हैं फैक्टर निकाले तो एक्स इफ एफ एक्स प्लस वन इज टू जीरोल टू माइनस वन सेकेंड इफ एक्स प्लस वन इज्कल टू जीरोन एक्स इज्क्ल टू माइनस वन द अदर जीरोज आर माइनस वन माइनस वन ऑल जीरोज रूट फाइव बाई थ्री माइनस रूट फाइव बाई थ्री माइनस वन माइनस वन इस तरह से हम लोग सब सवाल बनाएंगे एक्सरसाइज का और ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हमको टू जीरो दिया हुआ है तो हमको फोर जीरो निकालने के लिए हम उसका फैक्टर करेंगे डिवीजन करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलोनमी निकालेंगे उसका फैक्टर करेंगे इस तरह से आप पूरा करेंगे आपको होमवर्क में ये जो सभी जो रिमेनिंग सम जो है एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का उसको बनाना है